सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं गौरव आप लोग को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ हीरो के शोरूम पे, नोएडा सेक्टर 63, धनश्री हीरो मोटोकॉर्प में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, हीरो प्लेजर एक्सटेक नया है, हीरो ग्लैमर के साथ में ये मॉडल लॉन्च हुआ था। तो आज हम इसके बारे में टोटल कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं, इसके फीचर्स हम मैं दिखाने वाला हूँ और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं कंपनी की तरफ से, आज उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका एडजस्ट साउंड कैसा है और बाकी चीज़ें जो भी फीचर्स आज टोटल हम इसके बारे में रिव्यू करने वाले। तो चैनल के साथ ऐसे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सो ये है दोस्तों हीरो प्लेजर प्लस एक्सटेक जो नया मॉडल है हीरो की तरफ से जो लॉन्च हुआ है ग्लैमर के साथ में। ये यहाँ पे आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है, इसको कंप्लीट येलो भी नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ 360 व्यू फोर साइड से कैसा दिखाई देता है। तो फिलहाल आप इसका देख रहे हैं फ्रंट पे ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर मैं इसके राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है, और अगर मैं इसकी टेल साइड दिखाऊँ तो टेल साइड में आपको कुछ ऐसा दिखता है, और लेफ्ट साइड में ये ऐसा दिखता है। सो दोस्तों, अगर मैं बात कर लूँ इसके कलर की तो ये कंप्लीट येलो नहीं कह सकते। इस ये जो कलर है यहाँ पे आपको जो है येलो रेड का जो है कॉम्बिनेशन, हल्का सा रेड थोड़ा थोड़ा दिखता है इसमें। अगर आप देखते हैं अभी वीडियो में आपको ये कंप्लीट येलो दिख रही होगी, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो बात अब कर लेते हैं हम इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखने में ये आपको प्रोजेक्टर एलईडी के जैसा ही है, बट ये प्रॉपर प्रोजेक्टर लाइट नहीं है। तो ये किसका बेनिफिट है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, ये इसका मडगार्ड है। मडगार्ड यहाँ पे आपको मेटल का मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेटल के साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक क्रोमियम का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके टायर की, कंपनी यहाँ पे आपको MRF का टायर दे रही है 90x110 इंचेस के सेक्शन के साथ में। जो टायर जो दोस्तों इसका ये व्हीलेस टायर आपको मिल जाता है। अगर मैं इसके व्हील की बात करूँ तो व्हील आपको इसमें एलॉय का मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, ये इसका कवर है। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट ब्रेक की, तो ब्रेक आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिल जाता है IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। इसमें आपको डबल कॉम्बो ब्रेक्स मिल जाते हैं, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे। और यहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको 3D लोगो के साथ प्रोग्रामिंग FI देखने को मिल जाता है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन का कह सकते हैं आप। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट पे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट साइड में जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि बल्ब में हैलोजन में नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोमियम का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे आपको हीरो का मार्क दिख जाता है H लिखा हुआ, ये आपका नंबर प्लेट के लिए होता है। और इसकी जो हेडलैम्प है दोस्तों, वो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके राइट साइड से बात करूँ, दिखाऊँ आपको, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा क्रोम का वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे आपको प्लेजर प्लस एक्सटेक का जो है मार्क आपको 3D में देखने को मिल जाता है। बाकी लेफ्ट में भी राइट में जो कलर है इसका येलो रेड का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे इसका साइलेंसर है, ये इसका साइलेंसर के ऊपर आपको एक क्रोमियम स्टील प्लेट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी इसका जो साइलेंसर है, अभी हम इसका एडजस्ट साउंड भी सुन लेंगे कैसा इसका। ये इसका पिलियन के लिए इसका फुट पैड है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके रेयर टायर की, तो रेयर टायर में भी आपको दोस्तों यहाँ पे MRF का टायर मिल जाता है, जिसका जो साइज है 90x100x10 इंचेस का सेक्शन का आपको मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर है दोस्तों। व्हील की तो ये भी आपको अलॉय में ही मिलता है। बाकी रेयर ब्रेक की बात करूँ तो ये भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है इसमें भी। इसके जो फ्रंट और रेयर ब्रेक का जो डायमीटर है, ड्रम ब्रेक डायमीटर जो है, वो आपको 130mm का जो सेक्शन है वो आपको मिलता है इसमें, फ्रंट और रेयर दोनों में। और
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे क्रोम का आपको वर्क मिल जाता है। साथ में यहाँ पे येलो कलर का जो साइड पैनल वो आपको दिख जाता है। यहाँ पे एप्पल प्लेजर का जो है मार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर मैं टेल साइड की इसकी बात करूँ, टेल साइड आपका जो रेड लाइट है वो आपको एलईडी में नहीं है, यहाँ पे आपको बल्ब में ही देखने को मिलता है। बाकी लेफ्ट और राइट का जो इंडिकेटर है वो भी आपको बल्ब में ही मिलता है, एलईडी नहीं है। और अब हम आ जाते हैं इसके कंसोल के ऊपर। कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों ही देखने को मिलता है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है, I3S का जो मार्क है वो दिख जाता है, यहाँ पे आपका इंजेक्शन का मार्क दिख जाता है, यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट का जो मार्क है इंडिकेटर का वो आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपका हाई बीम और लो बीम का बटन भी जो मार्क है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर दिख जाता है, यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपकी गाड़ी किलोमीटर कितनी चल चुकी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। बाकी अगर लेफ्ट और राइट के बटन्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगर राइट में आप देखोगे तो लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स बटन मिल जाते हैं, हॉर्न का बटन मिल जाता है, इसका हॉर्न भी ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं राइट की बात करूँ तो आई स्मार्ट का ऑफ ऑन ऑन का बटन आपको मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट का बटन मिल जाता है। इसका एक फ्रंट में कवर है, यहाँ पे आप सामान अपना कैरी कर सकते हो या की है। तो ये इसका स्टार्टिंग और यहाँ पे सीटिंग है। अगर मैं बात करूँ इसके कुशन की, सीट की बात करूँ तो नॉर्मल है, हैवी नहीं है, ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा हैवी है, नॉर्मल सीट कवर है, सीट है इसका। ये इसका ग्रैब रील है, पहले के ग्रैब रील के मुकाबले इस बार जो ग्रैब रील इसमें मिल रही है वो आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है। पहले का जो ग्रैब रील था वो नॉर्मल था, केवल सीट के सिर्फ इतने से में रहता था, बट अब जो है इसका जो ग्रैब रील है यहाँ पे गद्दी भी आपको साथ में दे दी, कुशन टाइप का आपको यहाँ पे दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसके इंजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका इंजन 110.9 सीसी का इसका इंजन आपको कंपनी देती है, जिसमें आपको 8.1 bhp का पावर और 8.7 nm टॉर्क का पावर जनरेट करके ये देती है। इसका जो इंजन है दोस्तों 4-stroke एयर कूल्ड OHC इंजन है, सिंगल सिलेंडर के साथ में। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपको डेटा केबल USB का जो है आपको मार्क दिख रहा होगा, जैसा कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप इसको निकाल करके आप USB कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हो अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। और अब हम देखेंगे कि इसका इंजन का जो आवाज़ है, एडजस्ट की जो आवाज़ है वो कैसी है। तो फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ अभी स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट होती कि नहीं। तो ये हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे आप इसका जो इंजन का जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हो, इसका एडजस्ट का जो साउंड है वो आप सुन सकते हो कि इसका एडजस्ट साउंड कैसा है। तो ये तो थी दोस्तों इसके एडजस्ट की साउंड, इसका एडजस्ट साउंड कैसा था। तो अब हम बात करते हैं इसके एक और चीज़ की, यहाँ पे हम इसकी डिक्की खोलते हैं और इसका फ्यूल कैपेसिटी कितने है मैं वो भी बताता हूँ, और इसके अंदर जो वो कि कितना है। ये हमने इसको ऑन कर दिया, और ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है एक बॉक्स मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे कैरी अपना सामान कैरी करने का आपको 21 लीटर का जो ये स्पेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको एक डिक्की की जो लाइट है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ताकि आपके रात को अगर आप कोई सामान वगैरह आप ढूंढ रहे हो तो इजीली आपको मिल जाए। और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको बाइक की बुकलेट, फर्स्ट एड और जो टूल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल कैपेसिटी की, फ्यूल टैंक की, तो ये आपको जो फ्यूल टैंक है इसमें आपको 4.8 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आपको मिलता है। अगर इसके फ्यूल टैंक की कि कितने लीटर का, तो इसका जो फ्यूल टैंक है दोस्तों 4.8 लीटर का आपको इसका फ्यूल टैंक
मिल जाता है, जो कि ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ओवरऑल ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो आपको मिलता है बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके रियर सस्पेंशन की, तो आपको मिलता है स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डंपर सस्पेंशन। और इसमें दोस्तों एक येलो कलर है, इसमें दो तीन कलर और है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों, वो आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाता है। बाकी व्हील बेस जो है वो आपको 1238 mm का व्हील बेस मिलता है। और एक चीज और दोस्तों, इसके जो रियर व्यू मिरर हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक जो स्कूटर आता है वेस्पा, उसकी आपको याद दिला सकते हैं, क्योंकि सेम वही लुक दिया हुआ है। और इसका जो हेडलैम्प है, इसके ऊपर और नीचे मतलब चारों तरफ से इस पर आपको क्रोम का वर्क देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो हेडलैम्प है वो हाई बीम पे कैसा काम करता है। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार और। तो ये स्टार्ट हो गया है फिलहाल विदाउट हाई बीम पे कुछ ऐसा। और साथ ही यहाँ पे जो आपको DRL भी यहाँ को देखने को मिल जाते हैं, दोनों साइड DRL। अगर मैं इसके हाई बीम की बात करूँ तो हाई बीम में ये कुछ ऐसा है, ये देख सकते हैं। ये अभी अब मैं सामने आपको दिखाता हूँ, ये अभी हाई बीम है, ये इसका लो बीम, ये इसका हाई बीम। इधर दिखा देता हूँ, ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम LED के साथ में। तो ये है इसके कुछ अच्छे से फीचर्स। तो ये थी दोस्तों इस स्कूटर का कंप्लीट रिव्यू। इस स्कूटर में आपको क्या चीज़ अच्छा लगा नहीं लगा वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगे तो मेरे को बता देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो कमी पूरी हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।